सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, तो पिछले वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन की बात की थी। अगर वो पिछला यानी कि पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम उसके आगे के 50 क्वेश्चन यानी कि 51 से 100 तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। तो ये कहा था फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने। एक चीज आप अगर इनके सेंटेंस में नोटिस करेंगे तो ये लिखा है बीमा। तो कहीं ना कहीं हमने आपको महात्मा गांधी वाले वीडियो में बताया भी था कि ये व्यवसाय पर आधारित या कह सकते हैं व्यवसाय से संबंधित जो शिक्षा थी उसके प्रबल समर्थक के रूप में जाने जाते थे। तो आप बीमे से रिलेटेड करके जो है इनका जो कथन है उसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्यवसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। तो ये कथन जो है किसका है, ये कथन है वीडी भाटिया का। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये नहीं जरूरी है कि हर जगह जहाँ व्यवसायिक से रिलेटेड जो है वो कथन आएगा वो हर जगह महात्मा गांधी ही नहीं सही होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने व्यवसाय से संबंधित जो अपने कथन कहे थे उसके आने की संभावना लगभग 80 से 90% होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने जो है वो व्यवसाय से संबंधित कोई कथन नहीं कहा, इसका मतलब ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वी डी भाटिया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसने कहा था ज्ञान ही पवित्रता है। तो ये कहा था फ्रेंड्स सुकरात ने। अगला क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता कि ज्ञान ही शक्ति है, ये किसने कहा था, ये कहा था अरस्तु ने। और इसी से मिलता जुलता अगला भी है कि ज्ञान प्रगति है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था सोफिस्टो ने। तो ये आपको तीनों जो है वो एक दूसरे से जोड़ के याद करना होगा कि ज्ञान ही पवित्रता है यानी कि पवित्रता है वो सुकरात ने कहा था, शक्ति जो है वो कहा था अरस्तु ने, और जो प्रगति है वो कहा था सोफिस्टो ने। तो ये तीन क्वेश्चन जो है आपस में आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष बताए हैं। तो ये जो है वो कमेनियस जो है इन्होंने जो है वो बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष बताए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब कि ज्ञान के माध्यम से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ये जो है किसने कहा था, ये कहा था जॉन एडम्स ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है जो है शेक्सपियर का। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ज्ञान पर बल देने से विद्यालय जो है वो ज्ञान की दुकान और जो शिक्षक हैं वो सूचना के विक्रेता बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक जो शॉप होती है, दुकान होती है, उससे कोरिलेट करके जो है वो विद्यालय की तुलना जो है करके कथन कहा गया है। तो ये कथन जो है वो कहा था व्हाइट हेड ने। तो अब थोड़ा सा नाम भी इनका डिफरेंट है, वाइट मतलब सफ़ेद, हेड मतलब सर, तो उससे थोड़ा सा जो है वो आप जोड़ के याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, ये कथन किसका है। तो ये कथन यहाँ पर जो है वो एडम्स के द्वारा कहा गया है, और सेम जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी यही कथन दोबारा से लिखा है और यहाँ पर लिखा है सुकरात के द्वारा। आपके अनुसार जो है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, आप जो है इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, ये कथन सुकरात का है या ये कथन एडम्स का है या ये कथन दोनों का है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य है अपने छात्रों को राज्य, देश और ईश्वर के प्रति, यहाँ पर तीनों चीज़ों की बात की जा रही है, राज्य, देश और ईश्वर के प्रति वफादार बनाना, ये कथन किसका है, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। अगला 63 क्वेश्चन नंबर है हमारा कि प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है। तो प्लेटो ने जो है फ्रेंड्स नागरिकों को टोटल 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है, मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए यदि आप अपना प्रेजेंट जो है वो त्याग कर रहे हैं या कह सकते हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो जो शिक्षा है वो व्यर्थ की है, ये कथन जो है वो किसने कहा था, ये कथन कहा था रूसो ने। अगला 65 क्वेश्चन नंबर है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक,
चरित्र है, सबसे बड़ी आवश्यकता भी और सबसे बड़ा रक्षक दोनों ही जो है वो चरित्र है, शिक्षा नहीं है। ये कथन जो है किसने कहा था, ये कथन कहा था स्पेंसर ने। कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं स्पेंसर जो है वो चरित्र के प्रबल समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चरित्र की स्थापना करना विद्यालयी शिक्षा और अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो जॉन डीवी का है। जॉन डीवी और जॉन एडम्स के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुके हैं कि द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया जो है किसने किसने दी थी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, यह कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर का है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा नैतिकता जो है वो सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है, ये कथन किसका था? ये कथन था स्टार बक का। थोड़े जो कथन है फ्रेंड्स काफ़ी टफ टाइप के आपके लग रहे होंगे, तो आपको जो है इसे 2 से 3 बार देखना चाहिए, जिससे जो है आपको बार बार देखने पर याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है, शिक्षा जो है मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है, ये कथन जो है वो पेस्टोलॉजी का है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यह कथन किसका है, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, ये कथन जो है वो पेंटर का है। पेंटर जो है आप जो एक चित्रकारी करते हैं उनसे जो है आप याद रख सकते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूर्ण मानव विकास है, यानी कि अगर आपको एक फ़ोटो बनाने की दी जाए तो आप पूरे मानव की एक फ़ोटो बनाएंगे, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि पेंटर ने कहा था कि पूर्ण मानव विकास है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये जो है वो आध्यात्मिक जगत का है। आदर्शवाद में हम आपको ऑलरेडी ये बता भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है, तो ये हुई है आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। अगला 73 है कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, तो ये जो है वो बर्कले हैं। अगला आदर्शवाद का टाइप है कि प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है, तो ये जो है वो कांट हैं। फिर है वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक, तो ये हैं हीगल। और नैतिक आदर्शवाद के जनक जो है वो प्लेटो हैं। तो ये चारों ही जो है वो आदर्शवाद के प्रकार जो है हम आपको आदर्शवाद वाले टॉपिक में ऑलरेडी बता चुके हैं, और कौन जो है वो इसके जनक थे ये भी हम आपको आदर्शवाद वाले टॉपिक में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर वो नहीं देखा है आपने तो उसको ज़रूर देखिए, और ये चारों जो है आपको पता होना चाहिए कि किसके कौन जनक हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है, तो ये प्लेटो जो है इन्होंने इसको व्यक्त किया है। अगला है, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है, वस्तु की अपेक्षा किसको महत्व दिया गया, आदर्शवादी मानते थे विचारों को। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि आदर्शवादी जो विचारधारा वाले लोग थे ये वस्तु की अपेक्षा जो है वो विचारों का अधिक महत्व देते थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है, ये जो है वो सुकरात हैं। अगला है कि संवाद विधि के जनक कौन है, तो ये जो है वो प्लेटो हैं। ये सभी जो हैं कौन सी विधि जो है इनके कौन जनक है, ये हम आपको ऑलरेडी जो है वो आदर्शवाद प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद वाले टॉपिक में ऑलरेडी ट्रिक से याद करके बता चुके हैं कि आप कैसे याद रख सकते हैं। जैसे ये संवाद विधि बताई की थी कि स्वाद जो है वो हमेशा प्लेट में आता है, उसे आप याद रखेंगे प्लेटो। इसी टाइप से ये जब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसलिए यहाँ पर ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर वो ट्रिक जो है कैसे याद रख सकते हैं वो नहीं देखा है तो आप आदर्शवाद प्रकृतिवाद प्रयोजनवाद वाला वीडियो जो है वो जरूर देखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है, तो ये जो है वो अरस्तु हैं। अगला 81 नंबर है कि निगम एवं आगमन विधि के जनक कौन है, तो ये जो है वो अरस्तु हैं। अगला है वाद विवाद विधि के जनक कौन है, तो ये जो है वो भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक हैं। निर्देशन विधि के जनक जो है वो हर्बर्ट हैं। अगला है तर्क विधि के जनक कौन है, तो ये जो है वो हीगल हैं। खेल विधि के जनक कौन है, तो ये जो है वो फ्रोबेल हैं। और अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है, तो ये जो है वो पेस्टोलॉजी। इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी ट्रिक से बात कर चुके हैं इसलिए जो है हम आपको ऑलरेडी दोबारा जो है फिर से नहीं बता रहे हैं। अगला है कि किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है, तो ये कहा था जेंटील ने। अगला है कि आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सबसे प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो आत्मा अनुभूति। अगला है कि आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं, तो टोटल 8 विधियां हैं। अगला है कि प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या है, तो ये है मूल प्रवृत्तियां। अगला है कि प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है, तो इन्होंने दिया है ह्यूरिस्टिक विधि। अगला है प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है,
तो ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं प्रकृतिवादी जो है वो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के जो है वो प्रबल समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है कि प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है, तो आत्मा और परमात्मा के महत्व को जो है वो प्रकृतिवादियों ने जो है वो अस्वीकार किया है। अगला है कि प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं, तो टोटल 3 रूप जो है वो बताए गए हैं। अगला है प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है, तो प्रयोजनवाद जो है वो क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। अगला है कि प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, तो प्रयोजनवाद जो है वो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। 97 क्वेश्चन नंबर है कि प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है, तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी जो है वो उपयोगिता है। अगला है कि प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है, तो प्रयोजनवाद जो है वो प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। अगला है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद आदि नामों से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्रयोजनवाद को। तो ये प्रयोजनवाद वाले वीडियो में हम ऑलरेडी जो है ये सभी नाम आपको वहाँ पर बता भी चुके हैं। तो इसी के साथ जो है हमारी ये 50 क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में जो है इसके सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।